नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। रुख करते हैं अगले खबर का। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐलान किया है कि फिर से कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन किया जाएगा और बहुत सारी दुकानों को बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। तो वहीं मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने पर भी विचार चल रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के अंदर मध्य प्रदेश में कोरोना के संक्रमितों की संख्या कम हुई थी, लेकिन इसके बाद से लगातार बढ़ रहे मामलों में मध्य प्रदेश की सरकार इस वक्त परेशान है और वो लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और इस पूरे मसले पर अब एक नए फैसले लेने पर विचार कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार। और मध्य प्रदेश और भोपाल के इलाकों में लॉकडाउन लगाने पर फैसला हो सकता है। फिर से दुकानों को बंद करने और भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए ये कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। देखिए पूरा इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भोपाल और इंदौर में संक्रमण के हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। राज्य के अन्य जिलों की अपेक्षा यहां संक्रमण सबसे ज़्यादा है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जिन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं वहाँ आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की हालत को लेकर सरकार पूरी तरह सजग और मुस्तैद है। इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है। संक्रमण पर नियंत्रण के लिए भोपाल और इंदौर में बनाए जा रहे कंटेनमेंट जोन में अब दुकानें बंद कर लोगों के आवागमन पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी। गृह मंत्री ने कहा है कि हम कंटेनमेंट जोन छोटे छोटे बना रहे हैं। अब इस तरह की गाइडलाइन सरकार ने नहीं बनाई है, लेकिन इंदौर और भोपाल के जिन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं वहां हम आना जाना प्रतिबंधित करेंगे और अन्य कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में कई ऑफिस है वो भी नहीं खुलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना को लेकर के दवाई और अस्पताल निःशुल्क रहेंगे। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना की 1383 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके बाद प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,06,128 हो गई है। वहीं संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 3,260 पहुँच चुकी है। इसके बाद से सरकार हरकत में आ चुकी है और मध्य प्रदेश के उन इलाकों में कंटेनमेंट जोन बढ़ाने साथ ही साथ गतिविधियों पर रोकने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।